My dear students and friends, I am Santosh sir from Nawada, Navin Nagar. You know friends, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, उसमें से बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक कंसेप्ट में दिया था. तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगला टर्म. देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ. देखिए आई एम, आपको पता है आई एम शॉर्ट में लिखते हैं, है ना. अगर हम एम नॉट का प्रयोग करते हैं तो एमंट गलत है. इसका सही करना है तो देखिएगा इसका सही रूप एम पड़ता है. मेडियर ये आपको जान लेना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे. एम नॉट को एमंट नहीं होता है, एंट होता है. आप आई एंट लिख सकते हैं, आई एंट कर सकते हैं, यह आपका सही है. एम नॉट का एक और कंसेप्ट है, देख लीजिएगा. एम नॉट अरंट, ये भी आपका सही कंसेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन टैग में होता है मेरे दोस्त. ये क्वेश्चन टैग में होता है, आप पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग में एम नॉट का जो कंसेप्ट है अरंट होता है, और आमतौर पर निगेटिव वर्ड में एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंट होता है मेरे दोस्त. एम नॉट गलत है, इसे आप याद रखना. मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लेना चाह रहा हूं मैं. स्ट्रक्चर कह सकते हैं स्ट्रक्चर, बेस्ट ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सबसे पहला स्ट्रक्चर है गेटिंग बिकमिंग. जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग या बिकमिंग या ग्रोइंग. सब्जेक्ट इज एम आर गेटिंग बिकमिंग ग्रोइंग प्लस एडजर एंड एडजर एडजर एंड एडजर. आने क्या होता है गौर कीजिएगा आप लोग. हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉर्म लेकर जा रहे हूं, और स्ट्रक्चर फॉर्म में ये बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गेटिंग बिकमिंग ग्रोइंग प्लस एडजेक्टिव ई आर एंड एडजेक्टिव ई आर. एडजेक्टिव ई आर आपका ये क्या है, जब एडजेक्टिव में ई आर लगाते हैं जिसे हम डी टू भी कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में से कहा जाता है डी टू. देखिएगा जैसे ब्रेव का हुआ ब्रेवर, टॉल का हुआ टॉलर, ग्रेट का हुआ ग्रेटर, काइंड का हुआ काइंडर, इजी का हुआ इजियर, मैड का हुआ मैडर, लेजी का हुआ लेजियर. तो आप देख सकते हो एडजर एंड एडजर. अगर अनुवाद में मिल जाए आप लोगों को इस तरह, मैं मोटा होता जा रहा हूं. देखिएगा अनुवाद देखिए, मैं मोटा होता जा रहा हूं, इसका मतलब क्या बनेगा, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग फैट. एडजेक्टिव फैट है एडजर्व, फैट एडजेक्टिव हुआ, फैट यहां क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फैट. तो एडजेक्टिव में यह जोड़ो फैट में यह जोड़ेंगे, फैट में यह जोड़ेंगे फैट का हुआ फैटर. तो फैटर कैसे होता है गौर करना, फैट का स्पेलिंग होता है फैटी फैट, लेकिन जब ई आर जुड़ते हैं तो डबल टी होता है, एफ ए डबल टी आर, फैटर एंड फैटर. क्योंकि इसे रिवीजन करना है आपको,
फैटर एंड फैटर। ये फैट में डबल टी क्यों हुआ, आप इसे सिलेबल या प्रोनाउंसिएशन को देखो, इसको कांसेप्ट को देखो। देखो फैट का स्पेलिंग होता है एफ ए टी फैट, और अगर उसको हम ई आर जोड़ते हैं तो अंतिम जो टी है, जो कंसोनेंट है, वो डबल होता है, क्योंकि ई आर को संभालने के लिए डबल टी लाना पड़ता है, फैटर एंड फैटर, है ना। इस तरह अगर आगे मिल जाए, रहीम पागल होता जा रहा है, रहीम पागल होता जा रहा है, बनाओगे। जैसे पागल दो तरफ होता है, पागल जो दीवाना किस्म का, पागल जो मेंटली, तो जो दीवानगी में पागलपन प्राप्त करे उसे क्रेजी कहते हैं, और आम जनरली मेंटल जो डिस्टर्ब होता है उसे हम लोग मैड बोलते हैं। तो फैट और क्रेजी में यहाँ फर्क है। मैं यहाँ अगर दिल से लेता हूँ, दिल दीवानगी सिस्टम का है पागल वो, तो हम क्रेजी लेंगे। जैसे रहीम इज गेटिंग क्रेजियर, सी आर ए जेड आई आर, देखिए क्रेजी का स्पेलिंग होता है सी आर ए जेड वाई, लेकिन जब ई आर जोड़ेंगे हम, एंड जोड़ेंगे, ई आर जोड़ेंगे तो वाई हटा के ई आर होता है, इसलिए क्रेजियर एंड क्रेजियर, इसका स्पेलिंग हो गया, यानी रहीम इज गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। तो ये हुआ नंबर वन स्ट्रक्चर, फिर से देख लीजिएगा, हम स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे रहा हूँ। इसमें बताया हुआ पहला स्ट्रक्चर कि अगर सब्जेक्ट में इज एम आर गेटिंग बिकमिंग ग्रोइंग हो, ये तीनों कोई भी ले सकते हैं आप, तीनों कोई भी ले सकते हैं, गेटिंग बिकमिंग ग्रोइंग, एडजेक्टिव में ई आर एंड एडजेक्टिव में ई आर, है ना। मैं मोटा होता जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग फैटर एंड फैटर, रहीम पागल होता जा रहा है, रहीम इज गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। ओके गाइस, तो आगे बढ़ता हूं मैं और आगे बताता हूं मैं। ओके मिटा रहा हूं इसको, अगला स्ट्रक्चर नंबर टू बड़ा इजी है, देखिएगा नंबर टू स्ट्रक्चर, यहां से नंबर टू ले रहा हूं। अगर स्ट्रक्चर मिल जाए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, गोइंग टू, देखिएगा। जैसे अगर बोल दिया जाए वह पढ़ने जा रही है, वह पढ़ने जा रही है, इसका मतलब क्या बनेगा, सी इज गोइंग टू रीड, सी इज गोइंग टू रीड, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। देखो जाना क्रिया के लिए गोइंग, अगर जाना क्रिया होगा तो कमी है ना, इस तरह चेंज करेंगे, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच यू, यह हुआ आपका दूसरा स्ट्रक्चर। ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर मैं तीसरा ले सकता हूँ। देखिएगा ये स्ट्रक्चर पैसिव कंसेप्ट का होता है, पैसिव कंसेप्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो मैं स्ट्रक्चर में तीसरा बता रहा हूँ, पैसिव कंसेप्ट का स्ट्रक्चर नंबर थ्री। देखिएगा अगर स्ट्रक्चर इस तरह हो जाए, नंबर थ्री ऑब्जेक्ट रहे कंसेप्ट में, इज एम आर है बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, देखिए पैसिव वॉइस है, इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने ले लिया ताकि आपको अनुवाद बनाने में सुविधा हो, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वी थ्री बाई प्लस एजेंट, है ना। मैं केवल पॉजिटिव स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एस क्वेश्चन आप बना लोगे, है ना। ओके नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे अंग्रेजी
पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग, पहचान में देख सकते हैं आप लोग, जा रही है जा रहा है, पढ़ाई जा रही है, खिलाई जा रही है, लिखाई जा रही है, हंसाई जा रही है, सुलाई जा रही है, रुलाई जा रही है ना, इस तरह से अगर कंसेप्ट